अच्छा रहता है। बताइए सर, पटना आगे कैसा लग रहा है? पटना आगे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा, यहाँ पे बहुत आता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और हमारी कई सालों की ओपनिंग है जो राजीव चौक के ऊपर है, मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छे बाल कटाने हैं तो आपको आना पड़ेगा, एक ही जगह आना पड़ेगा, वो है जावेद अजी, वो कहाँ पर है? राजीव चौक। स्वागत आपका यहाँ पे हुआ है, क्या कहेंगे? ये बोलता हूँ कि मेरे होते भी गंजा बाल पता होना नहीं चाहिए, तो जब तक मैं हूँ कोई गंजा होने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। पटना में आपका आउटलेट पहले से है, तो इस इलाके में पहली बार आप आए? देखिए, एक सैलून चलाने के लिए 500 लोग चाहिए, तो जिस तरह जैसा पटना का साइज है शायद यहाँ पर 20-25 शॉप खोले जा सकते हैं। और वाई नॉट अ ब्रांड, बिकॉज मुझे लगता है ब्रांड के अंदर क्या होता है, क्वालिटी आती है, ब्रांड के अंदर क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट आता है। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, मुझे यहाँ बहुत ग्रो करना है, तो बिहार इज अ ह्यूज स्टेट और यहाँ हमारी बहुत सारी सैलून खुल सकती है। अच्छा, एक बालों की सुरक्षा के लिए एक प्रिकॉशन दे दीजिए, बालों को रोज शैम्पू कीजिए, जितना बालों को रोज शैम्पू करेंगे, और रात को कभी तेल मत लगाओ, कभी शैम्पू का तेल मत लगाओ, अगर रात को तेल लगाएंगे पक्का गंजे हो जाएंगे, तो प्लीज रात को तेल लगाना भूल जाओ, शैम्पू से पहले तेल लगाओ सिर्फ 5 मिनट के लिए, आपके बाल गंजे नहीं होंगे। और कौन सा तेल लगाएंगे? भारत का तेल, सरसों का तेल, सबसे अच्छा तेल।